यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये सारे दिए हुए हैं। ये कहाँ से लिए हमने? ये फाइनेंशियल अकाउंट से लिए हैं। अंडरलाइन कर दें। चलिए आगे पढ़ें। द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटेरियल इज दिस 56 लाख, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड है 20% ऑन द प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव 6 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग है 8 रुपीज पर यूनिट। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग। ओहो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, ना कि कॉस्ट शीट बनाने हैं। तो हमें दोनों बनाने पड़ेंगे, एक तो ट्रेडिंग का और एक कॉस्टिंग का। चलिए बनाते हैं। तो पहले तो हम कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल हमें दिया था कि ये 56 लाख का है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वेजेस हम मान के चलेंगे कि वेजेस जो थी वो 30 लाख की हैं, तो ये हमारी 86 लाख, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई। अब फैक्ट्री ओवरहेड थे हमारे 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो ये सब थी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई 103,200, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो हम लिखेंगे ओपनिंग WIP नील, क्लोजिंग WIP 2,40,000, 100,80,000, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। क्या था ऑफिस ओवरहेड? हमारा 6 रुपीज ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो देखिए यूनिट प्रोड्यूस जो है वो हमारी है 1,24,000। 1,20,000 हम बेच रहे हैं और 4,000 हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है, तो ऑफिस ओवरहेड्स हो जाएंगे 1,24,000 इंटू 6, तो ये हो जाएंगे हमारे 7,44,000, 108,240,000, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स हैंडलिंग, लेस करेंगे हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स, 108,240,000 अपॉन 124,000, ठीक। तो ये आया हमारा 349,161, तो ये आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 104,74,839। अब हम इसमें ऐड करेंगे टू सेलिंग ओवरहेड्स, 1,20,000 इंटू 8, तो ये हो गया 9,60,000, ठीक है। जो सेल है वो हमारी 1,20,00,000 की है,
ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा वह आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 565161, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल का प्रॉफिट और फिर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमारी सेल है 1,20,00,000 की, ठीक है। जो फाइनेंशियल में जो हमारा मटेरियल लगा था वो 50,00,000 का, वेजेस है हमारी 30,00,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 16,00,000 के, ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड हुए 16,00,000 के। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये हमारा है 240, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स का 320 का है और WIP का 240 का है। एक सौ पच्चीस साठ 1,25,60,000, इसमें से 96,00,000 कम कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 29,60,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 29,60,000, ठीक है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे कितने हैं, 7,00,000। सेलिंग ओवरहेड्स 960, बैड डेट्स 80,000। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ P&L में ही आएंगे, कॉस्ट में नहीं आते हैं। ये देखिए ये सब आइटम्स हमारे सिर्फ P&L में आएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 40,000, लीगल एक्सपेंसेस 10,000, डिविडेंड है हमारा 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20, तीस लाख 80,000, 30,80,000। तो 80 निकल गया तो 30 बचा। ये बचा 12,90,000, ये प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। ये हमारी फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आ गया। तो ये दोनों हमने प्रॉफिट निकाल लिए।
अब हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स 12,90,000, ऐड करेंगे ओनली इन फाइनेंशियल, तो इसमें आ जाएंगे आपके बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस 80,000, 40,000, 10,000, 1,30,000, ठीक है, ऐड करेंगे अंडर रिकवर्ड एक्सपेंसेस या ओवर रिकवर्ड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए, जब कॉस्ट के एक्सपेंसेस कम हो और लेस करेंगे इनकम ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स, लेस करेंगे ओवर रिकवर्ड एक्सपेंसेस, लेस अब देखिए, हम एक एक एक्सपेंडिचर को पहले इनकम देख लेते हैं। ये जो डिविडेंड इनकम है 1,00,000 रुपए की और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000 रुपए का, ये सिर्फ हमारे फाइनेंशियल बुक्स में आ रही है। अब हम एक एक करके आइटम्स को देखें। जैसे हमारे यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड है 17,20,000 के और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है 16,00,000 के, इसका मतलब है कॉस्ट की बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,000 माइनस 16,00,000, 1,20,000, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट की बुक्स में है 744 और इसमें है 7,00,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 744 माइनस 7,00,000, 44,000 हो गया। इसके बाद अब मटेरियल की बात करें। कॉस्ट में जो मटेरियल है वो है ज्यादा, छप्पन लाख माइनस 50,000, 6,00,000 का आपका मटेरियल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस हमारी दोनों में सेम है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट की बुक में ज्यादा है, फाइनेंशियल की बुक्स में कम है। तो जब कॉस्ट की बुक में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, फाइनेंशियल की बुक में कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक 349,161 माइनस 320,000, तो यह है 29,161, ठीक है। तो ये ऐड करें, ये भी 29,161 ऐड करें, 130 लेस करें और ये 7,64,000 इसको भी लेस कर दें, आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स।
आपको मैं बार बार एक ही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आई थिंक सो सारी चीजें क्लियर हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।